Are mood mist perfumes really dupes or just a scam? We will find out in this video. Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट रोल हो रही है मूड मिस्ट की एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसे याद है कि इनिशियली ये एज ड्यूप्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे एंड लेटर ऑन दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग देम एज ड्यूप्स. मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ इस बारे में. हो सकता है मुझे ही कोई कन्फ्यूजन हो रिगार्डिंग दिस. आई हैव फोर परफ्यूम्स राइट हेयर जिनके ये ड्यूप्स हैं. इसमें से दो फ्रेगरेंसेज मेरे पास हैं और एक मैंने स्टोर में ट्राई की है एंड आई रियली रियली वॉन्टेड दैट फ्रेगरेंस एंड वो आजकल अवेलेबल नहीं है, इसलिए आई विल कीप ऑन टेलिंग यू एज वी गो बाय द फ्रेगरेंस वन बाय वन. सो आई हैव फोर फ्रेगरेंसेज हियर, वी विल टॉक अबाउट दीज. द गुड थिंग इज कि ये इस तरह से 20 ml की पैकेजिंग में आ जाती हैं सो दैट वी कैन ट्राई देम फर्स्ट एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स क्विकली गेट इनटू दिस वीडियो एंड रोल द इंट्रो. So the first one that we're talking about is Riddle for Women and very nice clean packaging. मुझे तो इस तरह की clean looks bottles की बहुत अच्छी लगती है, always up for them. और ये in fact ये क्या हो रहा है, look at this, this is what is coming out of this. Ooh, what's wrong with this, God knows. Okay, I'll wipe it on here. मैं नहीं चाहती मेरे कपड़े खराब हो जाए इससे. Yeah. So like literally some kind of colored substance is coming out of it. So Riddle dupe hai Izzy Miyake ke liye the Izzy ka and thanks to a subscriber back in the like last year shayad agar wo mujhe abhi bhi dekh rahe hain, I would really like to thank you. Koi subscriber hain jinhone Instagram pe mujhe message karke bataya tha ki Izzy Miyake is giving free samples to some like a few winners and I just ऐसे ही मैंने अप्लाई कर दिया था. उसमें मेरे को लगा ठीक है आएगा तो आएगा नहीं तो ना सही. सो दैट इज़ व्हेन आई गॉट दिस सैम्पल एंड आई एम सो ग्लैड दैट शी टोल्ड मी एंड दैट आई गॉट टू सैम्पल्स. आई गॉट दिस वन एंड फॉर द ड्रॉप वन. नाउ आई हैव टू से पता नहीं क्यों मैंने इसके साथ स्टार्ट कर लिया है बट या आई हैव टू से कि आउट ऑफ ऑल द फ्रेगरेंसेज दैट केम इन मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी. But here, this is a very fresh, rose-dominating, sweet, musky kind of floral fragrance. Thoda aquatic feel bhi hai isme, lightness hai, freshness hai. It smells pretty good, but this is more of a rose-dominating fragrance. Mujhe rose-dominating fragrances utne zyada pasand nahi hai, aap logon ko ye baat pata hai. Aur aaj subah hi, like right after, you know, getting up when I was thinking about filming this video, मैंने इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर किया एंड आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ मोर लाइक इजी मियाकी लियोदे इजी इज़ मोर ऑफ दिस माउथ वाटरिंग फ्रेश एक्वेटिक वाटरी फ्लोरल फ्रेगरेंस जिसका रोज़ काफ़ी बैकग्राउंड में है और वो इतना नोटिसेबल नहीं है. और इसका रोज़ काफ़ी नोटिसेबल है और थोड़ा सा थिक और डेंस साइड पे भी है इफ़ आई कंपेयर इट टू दिस. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मूड मिस्ट का जो रिडल है वो एग्जैक्टली इजी मियाकी के जैसा नहीं है. काइंड ऑफ इट्स काइंड ऑफ अडैप्टिंग द वाइब ऑफ द फ्रेगरेंस लेट्स से 30%, नॉट इवन लाइक you know 60-70%. It's kind of 30% there but not exactly there. Let me tell you this कि इसकी जो माउथ वाटरिंग लाइट एक्वेटिक फ्लोरल क्वालिटी है वो यहाँ पे कम्प्लीटली मिसिंग है. ये थोड़ी सी डेंस और थोड़ी सी रोज डोमिनेटिंग फ्रेगरेंस लग रही है मुझे. वाटरी स्वीट डेंस रोज एट द सेम टाइम एंड विद मस्कीनेस. आई डोंट नो, मतलब ये मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकती कि ड्यूप में सिमिलर वाइब है. इफ़ यू वुड वॉन्ट टू स्मेल स्लाइटली लाइक इजी मियाकी then you can buy this. लेकिन अगर आप सोचोगे कि इसको लेने के बाद मुझे एक स्पॉट ऑन ड्यूप मिलेगा, वो नहीं होने वाला है. ये बहुत स्ट्रॉन्गली इस चीज़ को यू नो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं कि ये ड्यूप्स हैं बट इन केस ऑफ दिस दैट्स नॉट हैपनिंग. नेक्स्ट अप वी हैव एरोस फॉर वुमेन. नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये वर्साचे के एरोस फॉर फेम का ड्यूप है और मैंने एरोस फॉर फेम ट्राई किया था स्टोर में एंड आई लव्ड इट टू द कोर. लेकिन इट वाज सो एक्सपेंसिव इन द स्टोर, इट वाज लिटरली लाइक 10,000-11,000 रुपीज़ फॉर फुल बॉटल और उनके पास 50 ml भी नहीं थी कि मैं हाफ लाइक
हाफ बॉटल ले लेती. दैट वन इज लाइक अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल गमी बेर काइंड ऑफ फ्रेश माउथ वाटरिंग फ्रेग्रेंस. और वो बहुत यूनिक स्मेल करती है, वो बहुत डिफरेंट स्मेल करती है. आई मीन एक फ्रेश फ्रेग्रेंस होने के बाद भी इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ ब्लेंड जो कि बहुत, आई डोंट नो हाउ दे हैव डन इट, बट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फ्रूटी फ्लोरल एंड इट्स स्वीट एज वेल एंड फ्रेश एज वेल एंड माउथ वाटरिंग. लिटरली ऐसा लगता है ना, और जब वो कम्प्लीटली सेटल डाउन हो जाती है, स्टार्टिंग में तो वो काफ़ी फ्रेश है लेकिन सेटल डाउन होने के बाद यू लिटरली स्मेल लाइक गमी बेयर्स विद इट, बट इन अ वेरी वेरी गुड बेरी काइंड ऑफ वे. सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेगरेंस. बट वट आई एम स्मेलिंग हेयर इज अ सिट्रसी फ्लोरल फ्रेगरेंस. आई डोंट नो कि अगर मैंने EDT ट्राई किया था, अगर ये EDP का ड्यूप है, देन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. बट इट्स नॉट स्मेलिंग एनीथिंग लाइक द EDT. आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू दैट, बिकॉज अगर ऐसा है कि ये EDP के ज़्यादा क्लोज है, लेट मी जस्ट लुक एट द नोट्स ऑन द EDP. येस, नाउ दैट आई एम लुकिंग एट द नोट्स ऑफ Eros Parfum EDP Parfum version, it has the bergamot and lemon, pomegranate, jasmine, sambac, peony and woodsy notes. So I'm believing that this is more close to the EDP version and it's probably same way picking up the vibe, let's say 30-40%. It is smelling nice, it is smelling good, it's a nice citrusy floral. Lekin kyunki maine EDP try nahi kiya hai, toh I can just tell you about this fragrance right here. It's fresh and nice and thodi si toh generic lag rahi hai. Matlab mujhe aisa smell karke aisa nahi lag raha ki wow kya fragrance hai and I just need this in life and I'll wear it while going out. मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है. इट्स ओके, इट्स नाइस, इट्स फ्रेश. एक जेनेरिक डिज़ाइनर DNA है, सस्ते परफ्यूम्स वाला जेनेरिक DNA की बात मैं नहीं कर रही हूँ. द क्वालिटी इज प्रिटी गुड ऑन दीज. या इफ यू लाइक सिट्रसी फ्लोरल्स विद वुड्सीनेस एंड वेरी वेरी स्लाइट स्वीटनेस टू इट, तो अगर आप एक यू नो सिट्रसी फ्लोरल चाहोगे तो डेफिनेटली आप Eros की डायरेक्शन में जा सकते हो. दिस इज नॉट माई काइंड ऑफ थिंग, सो आई वुड नॉट वेयर इट बिकॉज आई एम नॉट a huge fan of florals and because of that we are moving on to the next one and that is Fleury for Women. ye Gucci Flora ka dupe hai. again pata nahi kyun mujhe doubt hota hai ki ye itne perfect dupes hain bhi ya nahi. let me just quickly look at the notes on this one and then look at the notes on that one as well. it has some beautiful notes of pear, blossom, red berries, italian mandarin, gardenia, jasmine, frangipani and patchouli. yep, and it is smelling like that as well. let me read out the notes on Gucci Flora for you. Gucci Flora ke notes thode zyada complex dikhai de rahe hain. it has mandarin orange pear pepper and peony rose osmanthus, patchouli musk cedar leather. to ye ek light स्वीट फ्रेश फ्लोरल फ्रेग्रेंस है. अगेन काफ़ी जेनेरिक स्मेल कर रही है, या तो मेरा ही ब्रेन ना उस तरह से वर्क नहीं करता है फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस के लिए. आई बी वेरी ऑनेस्ट कि एक अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे पाती हूँ, या जेन्युइनली दिस फ्रेग्रेंस इज नॉट स्टैंडिंग आउट एज मच. इट्स ओके, इट्स नाइस, इट्स फ्रेश, इट्स फ्लोरल, स्लाइटली स्वीट एंड या इट्स ओके. बट अगर मैं Eros को और इसको साइड बाई साइड स्मेल करूँगी ना, तो Eros बस थोड़ा सा डीपर डार्कर साइड पे लगेगा और ये एक लाइटर वर्जन लगेगा. तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वही नोट्स घुमा फिरा के थोड़ा बहुत लेट्स से 5-6% इन्होंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया है. बट ऑनेस्टली कोई इन दोनों फ्रेग्रेंसेस को लगाएगा ना तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने दो अलग फ्रेग्रेंसेस लगाई हुई. जस्ट से कि ये स्मेलिंग नाइस एंड यू नो फ्रेश एंड फ्लोरल एंड ऑल दैट, बट ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बहुत आउटस्टैंडिंग फ्रेग्रेंस लगाई हुई है. And that takes us to the last one, which is Crystal. And Crystal is a dupe for Versace Crystal Noir. आपको पता है मुझे ये fragrance कितनी ज़्यादा पसंद है and I just love it. It's beautiful, it's obnoxious, it is the most unique fragrance you can own till date. इतनी सारी fragrances आ चुकी हैं लेकिन फिर भी मुझे ऐसी एक भी fragrance नहीं मिली है जो Crystal Noir से compare कर सके या उसके लेवल्स तक आ सके व्हेन इट कम्स टू द सेक्सीनेस एंड द ऑब्नॉक्शियस फैसेट ऑफ दिस. लेट्स स्प्रे दिस फर्स्ट. दिस इज अ जोक इन द नेम ऑफ अ ड्यूप फॉर क्रिस्टल नोआर. इजी मियाकी का तो भी मैं ये सोच रही थी कि हाँ ठीक है यार, चलो एटलीस्ट 30% तो उसके आसपास है.
ऐसे लग रहा है जैसे गुच्ची फ्लोरा के जो ड्यूप इन्होंने बनाया ना, उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया है और उसको बोल दिया कि ये क्रिस्टल नुआर का ड्यूप है। इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है क्रिस्टल नुआर के साथ। ओह, द डेंस क्रीमी कोकोनट विद जिंजर इन दिस एंड ऑरेंज ब्लॉसम सैंडलवुड, ओ माई गॉड, द थिंग्स दैट यू स्मेल इन हियर आर नो वेयर टू बी फाउंड। ये तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है इसके साथ। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, नॉट एट ऑल। ये वो गुच्ची फ्लोरा के जैसे कुछ और फ्रेग्रेंस इन्होंने बना दिया है। तो बेसिकली ये चारों ही फ्रेग्रेंस, जितनी भी मैंने मूड मिस्ट की फ्रेग्रेंसेज अभी तक ट्राई की हैं, चार ट्राई किए हैं, चारों फ्रेश फ्लोरल्स हैं और उनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आह, दिस इज़ सो गुड, दिस इज़ जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर ईच डे। लेकिन आई एम रियली टेम्पटेड टू यू नो स्प्रे दिस ऑन माई सेल्फ राइट नाउ, बट आई विल नॉट डू दैट। बहुत लॉन्ग लास्टिंग है ये और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है एंड आई एम नॉट मूड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस राइट नाउ सिंस आई एम एट होम। तो ये सारी ही फ्रेगरेंसेस, मतलब 19-20 का फर्क, लेकिन सारी फ्रेश फ्लोरल्स हैं। जितने भी सेलिब्रिटीज की फोटोज और जितने भी परफ्यूम्स की पिक्चर्स से ये कंपेयर कर रहे हैं ना, उनको पार्टीशन करके ये इधर ओरिजिनल बॉटल दिखाते हैं और इधर अपनी वाली दिखाते हैं। लेट मी जस्ट से दिस, ओके, ड्यूप पॉइंट ऑफ व्यू से नो, अगेन जस्ट अनदर इंडियन ब्रांड दैट वी हैव केम अक्रॉस जो कि ड्यूप्स बोल के बेच रहा है लेकिन एक्चुअली ड्यूप्स नहीं है। मुझे स्ट्रांगली ऐसे लगने लगा है कि हमें लताफा और पैरिस कॉर्नर जैसे ब्रांड्स ने इतना बिगाड़ दिया है और इतने अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंसेस हमको मिल रहे हैं उनसे कि हमारी अब आदत खराब हो गई है। वी नीड दी स्पॉट ऑन थिंग्स एंड इफ इट इज़ नॉट स्पॉट ऑन, अगर थोड़ा बहुत आप 3 या 4 नोट्स के साथ प्ले करके हमें एक फ्रेश फ्लोरल दे रहे हो ना, सो वी डोंट वॉन्ट दैट। इस टाइम मार्केट में इतनी ज़्यादा वराइटी है, इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर ड्यूप्स एस्पेशली वेन इट्स अबाउट मिडल ईस्टर्न फ्रेगरेंसेज, कि यू रियली हैव टू स्टैंड आउट, यू रियली हैव टू पुट एन एफर्ट फ्रॉम द पैकेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द लुक्स पॉइंट ऑफ व्यू। बाय रेडो जैसी इन्होंने बॉटल्स बना ली हैं विच इज़ वेरी वेरी क्यूट एंड रियली रियली लाइकिंग दैट पार्ट, लेकिन द फ्रेगरेंसेज लेट्स से क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी चीप नहीं है। बहुत सारी मैंने चीप फ्रेगरेंसेज देखी हैं बट दिस इज़ लाइक अ डिसेंट क्वालिटी। जैसे फ्रेगनोट एक डिसेंट ब्रांड है, मैंने फ्रेगनोट के बारे में भी बात की है, एक इंटीग्रेटेड कोलैबोरेशन था वो ईयर्स अगो, बट देन आई रियलाइज्ड कि आई शुडंट हैव डन दैट, आई शुडंट हैव डन अ कोलैबोरेशन ऑन परफ्यूम्स बिकॉज या लेट्स नॉट डिस्कस दैट। सो इसकी क्वालिटी मोर और लेस फ्रेगनोट जैसी है और एरोनोट परफ्यूम जैसी है, तो इन सबकी क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। लेकिन हाँ, जिसका प्राइस कम है आप उसकी डायरेक्शन में जा सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज दैट आई हैव 4 फ्रेगरेंसेज हेयर एंड ऑल 4 ऑफ देम आर स्मेलिंग ऑलमोस्ट सिमिलर, बस वही फ्रेश फ्लोरल नोट्स हेयर एंड देयर घुमा फिरा के। तो द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू गिव इट इज गुड क्वालिटी to 4 hours of longevity, three hours of longevity, 4 hours भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ शायद, not too long lasting, not super projective, moderate projection रहेगी इनकी। तो आप अगर इनमें invest करना चाहो तो definitely कर सकते हो, लेकिन what I was expecting from these fragrances, I didn't get that. So these are more or less like a waste for me. I would never, मतलब ये कितनी carry friendly है यार, अगर इसमें से वो crystal वाली वर्साचे क्रिस्टल नुआर का ड्यूप होती, आप सोच सकते हो, आई वुड हैव बीन सो हैप्पी। मैं इसको कैरी करती साथ में, इसको यूज़ करती, अगर ये लाइटर वर्जन भी होती ना, आई वुड हैव बीन हैप्पी, क्योंकि क्रिस्टल नुआर बहुत लाउड, बहुत आउट देयर फ्रेगरेंस है। सेम गोज फॉर एरोस, तो शायद मैं ही गलत एक्सपेक्ट कर रही थी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ ड्यूप फॉर EDT एंड इट्स एक्चुअली अ ड्यूप फॉर EDP, बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि एरोस का EDP भी इतना सिंपल होगा जितना इन्होंने उसको बना दिया है या दिखा दिया है। सो आई एम रियली फीलिंग कि जस्ट बाय देम फ्रॉम गुड परफ्यूम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड डोंट बाय देम फ्रॉम ड्यूप्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम रियली ओपन एंड आई विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू गाइज इन द कमेंट सेक्शन व्हाट अदर ब्रांड्स यू वुड वांट मी टू ट्राई। अभी के लिए मैं अपने मिडल ईस्टर्न ब्रांड्स के साथ बहुत खुश हूँ एंड आई एम रियली बाइंग देम बैक टू बैक बिकॉज अपने लिए भी कलेक्शन बनती है यार। परफ्यूम ऐसा खरीदना चाहती हूँ ना मैं कि जिसको मैं भी यूज़ कर पाऊँ। इस तरह का इन्वेस्टमेंट जो मैंने ये अभी किया है मूड मिस्ट में,
this kind of investment, although I am earning from YouTube, but still it kind of breaks my heart. It does make me feel that my money has got wasted, क्योंकि इन perfumes को मैं use नहीं करूँगी. जितने भी Middle Eastern fragrances मैंने लिए ना आज तक, I'm using all of them. All of them, trust me, they are just so good that I keep rotating between them. So most of the times मैं अपने designers Zara's या फिर Middle Eastern fragrances use करती हूँ. So damn happy with them. And with that thought, I would like to close down this video. Enough of my rant. अगर आप अभी भी यहीं हैं और मुझे देख रहे हैं तो इस video को एक like दे दीजिए, subscribe कर लीजिए guys. And I'm really really thankful for all the support that you're giving to this channel and I love you guys for that. Also, I love you for sticking around every time. I will see you in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good. Have a great day all. Bye bye. Mwah.